जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो। इससे पहले हमें नंबर सिस्टम के 6 से 7 टॉपिक डाल चुके हैं, यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद एक क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मेनली हमारा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब है शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या का मतलब क्या होता है, है ना? शून्यों की संख्या का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यों की संख्या, है ना, शून्यों की संख्या। यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, शून्यों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब होता है शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या क्या होता है, देखिएगा, किसी भी संख्या के अंत से हम शून्य गिनते हैं, किसी भी संख्या से हम अंत से शून्य गिनते हैं। पहले में देखिए, पहला एग्जांपल हमारे ऊपर जो लिखा गया है, ये देखिए पहला एग्जांपल ये है, है ना। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो 0 0 दो बार यहाँ शून्यों की संख्या है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में आप देखिए, तो दूसरे एग्जांपल में हमको अंत से शून्य देखना है ना, तो अंत से कोई भी शून्य नहीं है, बीच में अगर शून्य आता है तो वो हमारा कोई काम का नहीं है, उसको हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं कहेंगे, ठीक है। जो अंत से आएंगे उनको वो हमारा कोई काम का नहीं है, वो शून्यों की संख्या में गिनती नहीं आएगा। तीसरे एग्जांपल में देखिए, तीसरे एग्जांपल में 1 2 और ये 3 तीन ज़ीरो है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले एग्जांपल में जिसमें है आपका 12,000 में 12,500 में लास्ट से दो ज़ीरो है, है ना, इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, और इसमें 3 0 है, ठीक है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ या फिर हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 13 50 100। अब इसमें आपको शून्यों की संख्या बताना है, है ना। संख्या कितना भी लिखा है, कितना बड़ा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे हमको कोई लेना नहीं है, हमको अंत से शून्यों की संख्या गिनना है। तो अंत से शून्यों की संख्या हो गई 1 और 2, मात्र इसमें अंत से 2 शून्य है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने, इसमें 2, बीच में कितने हैं या फिर सामने कितने हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं और लास्ट बीच में कितने हैं वो हमको नहीं देखना है, बस हमको ये देखना है कि लास्ट में कोई शून्य होना चाहिए और उससे पहले नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या में अंत से जुड़े होते हैं उसको हमें वही देना होता है, ठीक है। बीच में कोई शून्य आ जाएगा उसको हमको लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो में काउंट होता है। जो लास्ट में आएगा और उससे पहले यदि कोई नॉन ज़ीरो वर्ड आ जाए, नॉन ज़ीरो का मतलब होता है यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ 1 है, और उसी प्रकार यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो हम अब आगे समझते हैं कि ज़ीरो बनता कैसे है, है ना। किसी भी संख्या में ज़ीरो का निर्माण कैसे होता है, ज़ीरो का निर्माण होता है आपके मेनली, यदि हम इसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो में, तो हम प्रोडक्ट मेथड से पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, जब किसी दो संख्याओं को गुणा किया जाता है तब यदि ज़ीरो का निर्माण होगा, तब हम उसी को समझेंगे कि यहाँ से ज़ीरो बन रहा है। अब गुणा के रूप में ज़ीरो कैसे बनता है ये देखिए। देखिए जैसे मैंने कह दिया यदि कोई संख्या को यदि मैं जोड़ूं तो भी ज़ीरो का निर्माण होगा, कैसे, ये देख लीजिएगा, ये 6 है और ये 4 है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यह 10 बनता है ना। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में हमको ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, और ना ही ऐसा एग्ज़ाम आएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस प्रकार तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई दूसरा पेज लेके बताता हूँ आपको मैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस, एक मिनट है ना, ये 100 प्लस 1,000, ठीक है। यहाँ आपको पूछेगा कि इसको जोड़ने पर ज़ीरो का निर्माण कितना होगा या फिर लास्ट से ज़ीरो कितना होगा, तो हमेशा आप इसमें ये रखिएगा, जो यदि इस प्रकार 0 0 हो रहा है या फिर 0 नहीं भी है, तो यदि जोड़ में है तो जो जिसमें मिनिमम 0 होगा, है ना, जिस संख्या में मिनिमम 0 होगा उतना ही लास्ट से 0 बनता है, कैसे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, जैसे 1,000 हो गया ना, 1 का 2 सैकड़ा, ये 1,000, ठीक है। अब इसमें मुझे 100 जोड़ना है, ये 100 मैंने जोड़ दिया, तो लास्ट मुझे मिलेगा ये 1,100, तो लास्ट से 2 ही 0 मुझे मिला, ठीक है। ये प्लस के रूप में यदि आप जोड़ते हैं तब जो इसमें सबसे कम 0 होगा वही नंबर ऑफ़ 0 हो जाता है लास्ट में। अगला एग्जांपल देखिएगा, इसी में अगला एग्जांपल है, जैसे हमने जोड़ लिया, नेक्स्ट पेज में देखिए, ये 10 प्लस
दस प्लस इस सौ प्लस ये 1000, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए लास्ट से मैंने पहले बताया था जो सबसे छोटा ज़ीरो होगा, छोटा जब से कम ज़ीरो जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा, तो लास्ट से एक ज़ीरो मिलेगा। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं, ये 1000, ठीक है। अब इसमें आपको जोड़ना है 100 और इसमें जोड़ना है 10, देखिए, ठीक है। हमको लास्ट से कितना ज़ीरो मिला, तो लास्ट से हमको एक ही ज़ीरो मिला। इसका मतलब है यदि जोड़ के रूप में देखते हैं तो लास्ट में जो जो मिनिमम ज़ीरो वाला अंक रहेगा, है ना, जैसे इसमें ये 1000 में 3 ज़ीरो है, 100 में 2 ज़ीरो है और 10 में 1 ज़ीरो है, तो जिसमें मिनिमम ज़ीरो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसमें कुछ को इस प्रकार कोई जोड़ दिया जाता है ना, यदि इसमें 11 जोड़ दिया जाए तो इसमें ज़ीरो का निर्माण कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ आप 11 जोड़ दीजिए तो लास्ट से फिर से एक 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो का निर्माण नहीं होगा, तो इसमें आंसर आपको ज़ीरो लेना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा तो आंसर आया नहीं है, आएगा तो आपको इसी टाइप का बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, ज़ीरो का निर्माण होता कैसे है ये देखिएगा, ज़ीरो का निर्माण होता कैसे ये देखिएगा, ठीक है। तो शून्य का जो निर्माण है 5 और 2 का गुणा के रूप में होने से होता है। यदि प्रोडक्ट मेथड में देखा जाए तो 5, है ना, ज़ीरो का निर्माण कब होगा, जब 5 और 2 का गुणा के रूप में होता है तब ज़ीरो का निर्माण होता है, ठीक है। 5 और 2 का ही गुणा के रूप में होता है। यदि आपको यकीन ना हो तो देखिए, ये 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ ज़ीरो का निर्माण हुआ लास्ट में, ठीक है। अब आप जो है 2 को किसी भी संख्या से गुना करके देख लीजिए, ये 2 है, हम इसको एक बार 1 से गुना करेंगे, है ना, 1 से गुना करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, 3 से गुना करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 6, ठीक है, और 4 से गुना करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 8, 5 को गुना करने पर 0 मिलता है हमको पता है, ठीक है। तो हम अब 2 की गुना हम करते हैं 6 से, ठीक है, 2 की गुना 6 से करेंगे तो हमको वापस 2 मिल जाएगा इकाई अंक में, ठीक है, 0 तो मिल नहीं रहा है। 7 से गुना करेंगे तो 14 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी बगल में लिखते चलता हूँ, ठीक है। ये 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 14 मिलेगा, 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 से अगर गुना करते हैं, है ना, 8 से गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 8 दुनी 16, और 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। देखिए आप 2 को सभी अंक से गुना करके देख लिए, 1 से किए तो 2 मिला, 2 से किए तो 4 मिला, 3 से किए तो 6 मिला, 4 से किए तो 8 मिला, ठीक है, और 6 से किए तो फिर 2 मिल गया इकाई अंक में, मतलब कहीं भी आपको इसमें 0 नहीं मिला, ठीक है। अब देखते हैं 5 को गुना करके, ठीक है, हमको यहाँ पता है कि 2 और 5 आपस में मिलेंगे, है ना, 2 और 5 आपस में मिलेंगे तो ही हमारा 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 का किस किस से गुना करके देख सकते हैं, तो 5 को हम सबसे पहले गुना करते हैं 1 से, ठीक है। 5 का गुना यदि हम 1 से करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है। 5 का गुना हमको करना है 2 से, ठीक है, मैं गुना फॉर्म ऐसे ऐसे लिख दूँ इसको, ये 1 से गुना करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, 2 से गुना करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, ठीक है, सॉरी हमको फिलहाल 2 से तो करना ही, चलिए 2 से किया तो 10 मिला, 3 से करेंगे तो 15 मिलेगा, 4 से करेंगे तब इसमें हमको 0 मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा कि इसमें 2 कहाँ से आया, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो हमको 25 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसी 5 को 6 से गुना करेंगे तो हमको 30 मिलेगा, 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 मिलेगा, ठीक है, और 8 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 मिलेगा, और 9 से गुना करें तो 9 × 5 = 45 मिलेगा, है ना। अब आपको कुछ डाउट हो रहा होगा कि भाई आपने तो बताया था कि 2 और 5 का ही गुना करेंगे तो ही 0 मिलेगा, ठीक है, 2 और 5 का गुना करेंगे तो ही हमको 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 2 में तो मिल ही रहा है, साथ में हमको 4 में भी मिल गया, 6 में भी मिल गया और 8 में भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि सम संख्या को यदि 5 से गुना किया जाए, है ना, सम संख्या को यदि 5 से गुना किया जाए तो 0 का निर्माण होता है, हाँ ये पक्की बात है। लेकिन 2 हमने क्यों बताया, क्योंकि सभी सम संख्या में 2 रहता है,
है ना, इस चार को आपको आपको प्राइम फैक्टर करना है ना। चार का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो चार का प्राइम फैक्टर जैसे ही करते हैं तो हमको यहाँ 2 × 2 मिलता है, मतलब इस चार में 2 है, ठीक है। 6 में भी गुना करने पर हमको 0 मिला है लास्ट में, तो 6 में प्राइम फैक्टर करेंगे 6 × 3 × 2 होता है ना। 6 का जो निर्माण है 2 और 3 से मिलकर बनता हो, तो मतलब यहाँ भी 2 है, ठीक है, इसीलिए हमको 0 मिल गया। अब 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2, मतलब 8 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 2 में भी 2 है, ऐसा। मतलब ये आप कह सकते हो कि सभी सम संख्या में 2 निहित रहता है या 2 रहता ही रहता है, इसलिए आप 5 को यदि किसी भी सम संख्या से गुना करो तो हमको 0 की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो लिखा है 0 का जो निर्माण है 2 और 5 के गुना के रूप में मिलता है, यहाँ तक बात तो पक्की है। लेकिन आप यदि एडिशनल अपनी जानकारी के लिए अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, 2 को 5 का जो गुना है यदि सम के साथ होता है ना, तब भी हमको 0 की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस 5 का गुना यदि हम सम के साथ करते हैं उस स्थिति में भी हमको 0 का निर्माण या फिर 0 हमको मिलता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आज आपको एक नई बात बताऊँगा, है ना, एक नया बात बताऊँगा, बस छोटा सा बात, उसके बाद हम उसको प्राइम फैक्टर वाले पेज में देखेंगे, है ना। प्राइम नंबर, है ना, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, इससे पहले हमने प्राइम नंबर क्या होता है वो बता के रखें, ठीक है। प्राइम नंबर देखते हैं, है ना, प्राइम नंबर, ठीक है, वैसा नंबर जो अपने और एक से के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। तो प्राइम नंबर में कुछ कुछ लिख देता हूँ, 2, ठीक है, 2 है, 2 के बाद है हमारे पास 3 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, आगे ऐसे सो ऑन होंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ ये बताना चाहता हूँ, कोई भी जो अंक है, हमारे पास जितने भी अंक हैं, ठीक है, जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, वो या तो प्राइम नंबर हैं, है ना, या तो प्राइम नंबर हैं, या फिर जो शेष बच गए वो प्राइम नंबर से ही मिलकर बना है। क्या बोला मैंने, जितने भी हमारे पास अंक हैं 1 से लेकर 100 तक, एक को छोड़ के ना, एक को छोड़ के बस, है ना, यहाँ पे एक जो अंक है वो आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक और ज़ीरो को छोड़ के, तो मैं यहाँ लिख दूँ कहीं पे 1 और 0 को, तो ये 1 और 0 को छोड़ के, ठीक है, 1 और 0 को छोड़ के जितने भी अंक हैं या तो वो प्राइम नंबर है, या तो वो प्राइम नंबर है, या फिर वो प्राइम नंबर से ही बने हैं, या तो वो प्राइम नंबर से ही बने हैं। जैसे कोई सम संख्या है, सम संख्या जो है वो प्राइम नंबर से ही मिलके बना होता है। सम संख्या क्या है आपका, तो सम संख्या इसमें 4, 6, 8, ठीक है, ये प्राइम नंबर से ही मिलके बना है। इस नंबर सिस्टम में या फिर अंक पद्धति में जितने भी नंबर हैं वो केवल प्राइम नंबर से ही मिलकर बना है, या तो खुद प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर से मिलके बना है। और याद रखिएगा, जितने भी सम संख्या है उसमें 2 रहेगा ही रहेगा, और 2 एक प्राइम नंबर है। देखिए, इस सम के अब मैं भाग करूँ तो 2 × 2 होता है 4 बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए 3 × 2 होगा, ठीक है, और 8 के लिए 2 को 3 बार गुना किया गया, ठीक है, ये हमारा सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है और इससे ही प्राइम नंबर बना है, ठीक है। जितने भी सम संख्या है वो प्राइम नंबर से ही बना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और बड़ा प्राइम सम संख्या, तो और बड़ा सम संख्या क्या हो सकता है, और बड़ा हम सम संख्या मान लेते हैं आपका 48, ठीक है, 48 सम संख्या है। अब यदि आप इसको प्राइम फैक्टर करोगे तो कहीं ना कहीं इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो प्राइम ही निकलेंगे, ठीक है। फैक्टर छोटा छोटा करके देखिए, चाहे पहले तो हम इसको करते हैं, कितना होता है, 24 × 48 होता है ना, 24 × 48, तो ये 24 कर लीजिए और 2 हमारे यहाँ प्राइम मिल गया। अब 24 में हमको प्राइम खोजना है, ऐसे तोड़ते तोड़ते जाना है, चाहे तो और छोटा तोड़ कर देते हैं, तो ये 12 × 24 होता है, है ना, 12 × 24 होता है। तो ये देखिए, यहाँ फिर से हमको प्राइम नंबर मिल गया। अब इस 12 को तोड़ेंगे तो 6 × 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 मिला। फिर अब इस 6 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 हो गया। अब ध्यान से इसको देखिए, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इसी से है ना, 3 मतलब 1 × 3 और 2 कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2, 4, ये 1 बार, सॉरी 3 1 बार और 2 4 बार मिलकर ही 48 बना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 3 1 बार और 2 4 बार मिलकर ही 48 बना है,
और जो 3 है और 2 है हमारा प्राइम नंबर ही है, ठीक है। 3 है और 2 है हमारा प्राइम नंबर ही है। अब चाहे तो किसी भी अंक का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर किसका निकाला, हम मतलब क्या हुआ, पहले या तो कोई नंबर प्राइम होगा या तो सम या विषम होगा। हमने सम में देख लिया, अब विषम में देखते हैं, है ना। अब हम ऑड नंबर पर देखते हैं। ऑड नंबर हमारा क्या है, ऑड नंबर आप कोई भी ले लीजिए, 15 ही ले लीजिए, है ना, 15 ले लीजिए। 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 3, ठीक है। तो इसमें 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। और कोई नंबर सजेस्ट कीजिए, 45 देख लेते हैं। वैसे 5 का फैक्टर है 45, और किसे देख लेंगे, ये होता है 9×5 = 45। यहाँ पे आपका 5 प्राइम आ गया, 9 को तोड़ेंगे तो 3×3 में टूट सकता है ये, ठीक है। तो आपको जब तक तोड़ना है, देखिए किसी अंक का अगर प्राइम फैक्टर करने का अर्थ ये होता है, आप उस अंक को जब तक तोड़िए जब तक उसका प्राइम नंबर ना आ जाए। 5 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है और ये भी 3 प्राइम है, ठीक है। तो 45 भी कहीं ना कहीं प्राइम नंबर से मिलकर बना है। अगला कोई और प्राइम नंबर देखिए, अगला प्राइम नंबर हम देखते हैं 49 देख लेते हैं, ठीक है। 49 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो होता है 7×7 = 49, 7×7, और 7 एक प्राइम नंबर है और यहाँ 2 को 7 मिलकर 49 का निर्माण किया है, ठीक है ये। लेकिन प्राइम नंबर अकेले होता है, उसका निर्माण किसी से भी नहीं होता, वो यूनिक होता है, है ना। जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, वो यूनिक है। 23 एक प्राइम नंबर है, ये 23 एक प्राइम नंबर है। इसका निर्माण में कोई भी संख्या का हाथ नहीं है, ना 2, ना 3, ना 4, क्योंकि ये स्वयं एक प्राइम नंबर है। इसके निर्माण में किसी का हाथ नहीं है, ये स्वयं इनबिल्ट है, ये है ना, ये स्वयं बना है। 23 से मिलकर और कोई संख्या बन सकता है, लेकिन 23 का निर्माण किसी भी संख्या से मिलकर नहीं हुआ है। 23 मिलाकर आप इसमें जो इंटू करना चाहें 23 मिलाकर कर सकते हैं। 23 दूनी क्या होता है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 23 × 2 = 46। यदि आप देखा जाए तो 46 किससे मिलकर बना है, तो 23×2, तो 23 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, हाँ ठीक है, ये मान लीजिए। ये तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाहता था, ठीक है। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि किसी संख्या का बता दिया ना, या तो सम संख्या का 5 से मिलन होगा तो वो 0 बना देगा, लेकिन 5 में हमको 5 और 2 ही देखना है, ठीक है। तो जब जोड़ा होता है ना 5 और 2 का, तभी 0 का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5×2×2, ठीक है। अब यहाँ कितने 0 का निर्माण होगा बताइए तो, है ना, हमको जोड़ा देखना है, 1 जोड़ा 1 0, ठीक है, 1 जोड़ा 1 0। इसमें कितने जोड़े हैं, तो इसमें मात्र 1 जोड़े हैं, तो हमको लास्ट में 1 0 ही मिलेगा, ठीक है। चाहे तो गुना करके देख लीजिए, 5×2 = 10, 10×2 = 20, ठीक है, मिल गया, ठीक है। या ये कर सकते हैं, है ना, हम ये कर सकते हैं 5×5×2, ठीक है, 5×5×2। यहाँ भी यहाँ 5 2 बार है और 2 1 बार है, लेकिन हमको यहाँ जोड़ा ही लेना है, जोड़े से ही 0 का निर्माण होता है। तो देख लीजिए 1 जोड़ा मिला तो 1 0 ही मिलेगा लास्ट में। अब पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, 5×2 = 10 और 10×5 = 50, ये देखिए 10×5 = 50, ठीक है। तो एक जोड़े से एक जीरो का निर्माण होता है, ठीक है, जोड़ा मिलने पर ही 0 का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ा मिला तो 1 0 निर्माण हुआ, यहाँ भी 1 जोड़ा मिला तो 1 0 का निर्माण हुआ। अब देखते हैं यदि जोड़ा बढ़ाते हैं तब क्या होता है, हम 5 भी 2 बार ले लेते हैं और 2 भी 2 बार ले लेते हैं, सॉरी, है ना, ये जो 2 है उसको भी 2 बार ले लेते हैं। अब क्या होगा ये देखिए, जैसे मैंने कहा है कि जोड़ा बढ़ा दिए हैं, तो 1 जोड़े में 1 0, 2 जोड़े में 2 0, चलिए ठीक है। अब बताइए कि जोड़ा कितना बना, ये हमारा बना 1 जोड़ा और ये बना हमारा 2 जोड़ा, तो हमें लास्ट में 2 0 मिलने चाहिए, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसको हम इंटू करके देखते हैं, ठीक है, ये होता है 5×25, 25×50 और 50×100, ठीक है। हमको 2 0 मिला लास्ट में, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब जोड़ा बनेगा तभी हम इसको ऐसा मान सकते हैं। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो नीचे लिखा हूँ उसको, 5 2 बार है × 2 2 बार है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, सेम ही चीज़ है। 5 को मैंने पावर में डाल दिया और 2 को भी मैंने पावर में डाल दिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता था,
है ना, इस स्टेटमेंट में यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता था, अगर पावर में लिखता तो 5 की पावर 1 है ना और 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकता था मैं, यहाँ पे मैं 5 की पावर 2 लिख सकता था और 2 की पावर 1 लिख सकता था। ये बताने का रीज़न ये है कि है ना कि यदि आपको 5 और 2 पावर के फॉर्म में दिया गया है तो जिसमें मिनिमम पावर होगा है ना, जिसमें मिनिमम पावर होगा उतना ही ज़ीरो का निर्माण होगा। ये देखिए है ना, जिसमें मिनिमम पावर होगा उतना ही ज़ीरो का निर्माण होगा। यहाँ पे भी मिनिमम पावर कितना है, 2 था, तो यहाँ भी 1 0 का ही निर्माण हुआ। यहाँ पे 50 हुआ था ना, ये 5 में 25, 25 में 50, ठीक है, तो यहाँ भी 1 0 का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 2, 5 और 2 दोनों का पावर सेम है, तो पावर सेम है तो जितना पावर होगा उतना ही ज़ीरो का निर्माण करेगा, जितना पावर उतना ही ज़ीरो का निर्माण करेगा, ठीक है। इसको अब अगले पेज में और अच्छे से समझिए, अगले पेज में क्या समझिए, ये देखिए, यदि 5 की पावर 3 है ना और 2 की पावर 2 है तो कितना ज़ीरो का निर्माण होगा। जैसे हमने कहा था कि लोअर पावर है ना, लोअर पावर जितना होगा वो आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगा। तो लोअर पावर 2 है तो लास्ट में 2 0 होंगे। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, छोटा अंक है तो सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा होगा तो सॉल्व करना मुश्किल है ना, उसमें आपको एग्ज़ाम फिर आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो समझाने के लिए मैं छोटा छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 × 5 × 5 2 × 2 यही होगा अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो। आगे इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये देखिएगा है ना, हमको यहाँ जोड़ा कितना मिल गया, ये 1 जोड़ा मिल गया और ये 2 जोड़ा मिल गया, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे हमको दो ही ज़ीरो मिलने चाहिए लास्ट में, तो हम 2 ज़ीरो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या हो गया, ये देखिए, ये हो गया आपका 2 × 4, ठीक है, 5 × 20, ठीक है, 5, 1 मिनट, ये 0 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम इंटू करके देखते हैं, तो ये होता है 5 × 25, 25 × 5 125, 25 × 125 = 250 और 250 × 500, ये देखिए, ठीक है, लास्ट में 2 ज़ीरो मिल गया। हमारा कहने का मतलब यही था कि जो लोअर पावर होगा वही ज़ीरो का संख्या हो जाएगा, है ना। तो ऐसी अगर ऐसी संख्या दे दिया जाए है ना इनटू, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ ज़ीरो बताने हैं लास्ट से, है ना। इसमें लोअर पावर कितना है, 5 का लोअर पावर है 222, तो यहाँ पे क्या होगा, 222 ठो लास्ट में ज़ीरो आएगा। यदि आप इसको इनटू हल करके देखोगे तो लास्ट में 222 ज़ीरो आएगा। वैल्यू क्या आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, लास्ट में हमको ज़ीरो से मतलब है। तो लास्ट में कितना ज़ीरो आएगा, 222 ज़ीरो आएगा। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसी में, एक और एग्ज़ाम्पल इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि मैंने यहाँ लिख दिया 5 की पावर है 40 और 2 की पावर है 10, ठीक है, 2 की पावर है 10, तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हुआ, लोअर पावर कितना है 10, तो लास्ट में 10 ज़ीरो होगा, लास्ट में 10 ज़ीरो होगा, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझाने लायक फिलहाल इसमें इतना ही था, और आगे देखते हैं कि और जैसी कॉन्सेप्ट की बारी आएगी तो हम कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि यदि हम कोई लगातार संख्या दी जाती है ना, लगातार संख्या का कहने का मतलब है, चलिए हम कुछ लगातार संख्या की गुना कर लेते हैं, लगातार संख्या में हम आपको 15 तक गुना बताते हैं, 15 तक या फिर 10 तक बताते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। आप यदि इस पूरी संख्या को गुना करोगे है ना, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, है ना, यदि आप इस पूरी संख्या को गुना करोगे तो आपको लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने मिलेंगे, बस ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये छोटा संख्या है तो मे बी आप सॉल्व कर सको, लेकिन ये भी कोई छोटा संख्या नहीं है, आपको 10 तक गुना करना है ना। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमको 2 और 5 की संख्या निकालना, ठीक है, 2 और 5 की संख्या निकालना। तो चलिए संख्या निकालते हैं 2 और 5 की। यहाँ हमको 1 2 मिल गया, ठीक है, यहाँ कोई 2 नहीं है, है ना, यहाँ भी कोई 2 नहीं है। 4 में हमको 2 ठो 2 मिल गया, ठीक है,
यहाँ हमको एक 5 मिल गया। 6 में क्या मिला हमको? 2 और 3 मिला। 2 और 3 मिलने का मतलब प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। 7 में हमको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 7 एक स्वयं प्राइम नंबर है और इसमें ना तो 2 होगा ना 5 होगा। 8 में केवल 2 मिलेगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। 9 में 2 और 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी इसका प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए तो 3 × 3 9 होता है। 10 में आपको 5 और 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना कितना 5 मिला है, कितना कितना 10 मिला है, ये आपको लिखना है। 2 आपको कितना मिला है तो देखते जाइए, 2 यहाँ पे कितना मिला है, 2 कितना मिला है ये देखते जाइए। तो 2 मिला है आपको एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 10 तक की गुना को संख्या में गुना करने पर हमको 2 8 बार मिलेगा। अब 5 की संख्या देखते हैं, 5 कितने बार मिला है? तो 5 यहाँ एक बार मिला है और यहाँ 2, मतलब 5 मात्र 2 ही बार मिला है। इसका कहने का मतलब क्या है? 5 यदि 2 ही बार मिला है, इसका मतलब है यदि आप 1 से लेके पूरे 10 को गुणा करोगे, है ना, 1 से लेके पूरी संख्या 10 को आप गुणा करोगे तो आपको लास्ट में मात्र 2 ही जीरो मिलेंगे, है ना, 2 ही जीरो मिलेंगे। इससे पहले हमने बात किया है कि जो लोअर पावर होगा वही ज़ीरो की संख्या डिनोट करेगा, ठीक है। जो लोअर पावर होता है वही संख्या डिनोट करता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आप निकाल लोगे। अब चाहो तो इसको आप गुना करके भी देख सकते हो, है ना। 2 8 का क्यों कितना होता है वो निकाल लीजिए और 5 25 निकाल लीजिए, है ना। तो हमको आंसर ज्ञात नहीं करना है, हमको मात्र जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, हमको मात्र जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से जीरो की संख्या निकाल सकते हैं, हमको यहाँ जीरो की संख्या निकालनी थी, तो ये जीरो की संख्या यहाँ से निकल गया, ठीक है। और यदि कोई इसको गुना करके ही प्रूफ करना चाहता है तो देख लीजिए, 2 का 2 का 8 पावर है तो यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 25 दूनी होता है आपका 50, 0 ले लीजिए, 5 हाथ का ले लीजिए, 25 तिया कितना होता है, 25 तिया होता है 75 और 75 में आप 5 जोड़ दीजिए, 75 में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 80, ये हो गया 80। टोटल यदि 10 से लेके 1 से लेके 10 तक को जोड़ोगे तो आपको लास्ट में 800 मिलेगा और 800 में 2 जीरो है, यहाँ देख लीजिए वही आया, है ना। तो आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको प्रूफ करने के लिए बता दिया हूँ कि लास्ट में 2 जीरो मिलेगा। यदि पूरा को गुणा करोगे तो आप लोग को 2 जीरो मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही आपको 1 1 2 2 2 5 5 ज्ञात करने हैं और ना ही इस प्रकार का गुणा करना है, ठीक है। ऐसा करने की एग्ज़ाम में आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने की एग्ज़ाम में आवश्यकता नहीं है। हमको केवल बस यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ 2 कितने बार मिला और 5 कितने बार मिला है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। तो 2 8 बार मिला और 5 2 बार मिला। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसका शॉर्टकट बताऊँगा कि इसको शॉर्टकट कैसे आप संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट कैसे संख्या निकाल सकते हो मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमको 2 कितने बार मिला था? 2 आपको मिला था 8 बार, ठीक है, और 5 मिला था 2 बार। अब देखिए 5 और 2 निकालने की संख्या का तरीका, यदि संख्या गुणा के रूप में दिया गया है, है ना, संख्या यदि गुणा के रूप में दिया गया है और लगातार दिया गया है, संख्या यदि गुणा के रूप में दिया गया है या लगातार दिया गया है या फिर फैक्टोरियल फॉर्म में दिया गया है, तब क्या करेंगे? लास्ट अंक को पकड़ना है, ठीक है। जैसे लास्ट अंक 2 है और यदि हमको 5 की संख्या निकालना है तो इसमें हमको 5 का गुणा भाग देना है, 5 का भाग देना है तो हमको इसका भागफल लेना है, पूरा पूर्ण वाला, पॉइंट वाला नहीं लेना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया, ठीक है। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो इस पूरे संख्या को में हमको 5 कितने बार मिल गया? 2 बार मिल गया, ठीक है, यहाँ 2 आ गया। अब इसी प्रकार यदि आपको 2 की संख्या निकालना है तो इस 10 में आपको 2 का भाग देना चाहिए, इस 10 में आपको 2 का भाग देना चाहिए, ठीक है। अब 2 का पहले बार भाग देंगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 5 एकम, ये हो गया 2 एकम 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10, तो ये 5 हो गया 2 बार, ठीक है। अब इस 5 को फिर से पकड़ के लाइए और फिर से 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 5 एकम 5 2 एकम 2 2 2 4, ठीक है, 2 आया। फिर से इस 2 को पकड़िए और 2 से फिर से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन सभी को एक साथ जोड़ दीजिए, किसको किसको जोड़ना है आपको? ये वाला 5, ये 2 और 1 जोड़ना है, तो क्यों हो गया? 5 5 2 7 7 1 8, मतलब 2 आपको 8 बार मिल गया और 5 2 बार मिल गया, ठीक है, समझ गए कैसा करना है।
आपको 2 और 5 की ही संख्या ज्ञात करनी है कंपेयर करने के लिए कि कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा आपको एग्ज़ाम में करना है। लेकिन यदि आप और शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन और आप शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि हर सम संख्या में 2 होता है, है ना। यदि संख्या लगातार लिखी गई है 1 से लेकर 100 तक, 2000, 3000, 1 लाख, जितना भी तक संख्या लिखी है आपका, है ना, जैसे 1 × 2 × 3 ऐसे पॉइंट पॉइंट करके आपको गुना 1000 लिख दिया जाए, है ना, तो उसमें क्या 2 की संख्या ज़्यादा होंगे। जैसे इसमें ही आप 10 तक में देख लीजिए, लगातार लिखा गया है तो इसमें 2 की संख्या अधिक है और 5 की संख्या कम है। और 0 किस पर डिपेंड करता है, जिसकी संख्या कम रहती है, ठीक है। 0 किस पर डिपेंड करता है, जिसमें 2 की संख्या कम रहती है, ठीक है, सॉरी, जिसमें संख्या पावर कम रहती है। तो हमेशा यदि कोई लगातार संख्या है तो उसमें आपको केवल और केवल 5 की संख्या निकालनी है, ठीक है, केवल और केवल 5 की संख्या निकालनी है। जैसे यदि इसमें केवल 5 की संख्या निकालते हैं तो 5 की संख्या 2 है और 2 ही लास्ट में 0 हो जाता, ठीक है। कहने का मतलब मेरा समझिए, लगातार संख्या में 2 अधिक होता है। 2 आपका 4 में भी मिल जाएगा, 2 में मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा और 8 में मिल जाएगा, लेकिन 5 केवल 5 में और 10 में ही मिल सकता है, और कोई कोई रेयर केस में 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, लेकिन हर संख्या में 5 नहीं मिलता। तो 5 हमेशा कम ही मिलता है 2 के कंपेयर में, ठीक है, इसलिए आपको हमेशा 5 की ही संख्या निकालनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको आगे की समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल कि 1 × 2 × 3 ये डॉट डॉट करके आपका 100 तक गया, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, तो इसमें आपको केवल 5 की ही संख्या निकालना होगा, 5 की संख्या निकालना, क्योंकि 2 तो बहुत सारा हो गया, है ना, और सबसे कम 5 होगा और कम वाला ही 0 डिपेंड करता है, क्योंकि उसी का जोड़ा बनेगा, बाकी का तो जोड़ा बनेगा नहीं। तो हमको इसमें 5 ही निकालना है, 5 निकालना है, तो इसे 5 से भाग दे दीजिए, ये जाएगा आपके 20 बार में, ठीक है, ये 20 बार कट गया। अब इस 20 को वापस ले आइए उठा के, अब फिर 5 से कीजिए, तो 5 × 4 = 20 हो गया, ठीक है। अब ये 4 5 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि छोटा हो गया, तो टोटल अगर 100 तक हम गुना करेंगे तो हमको 5 कितने बार मिलेगा, तो 5 = 24 बार मिलेगा, 5 जो है 24 बार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या को अगर आपस में गुना करें तो हमको लास्ट में 24 ठो 0 मिलेंगे, है ना, 24 टाइम आपको 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, ठीक है। कभी भी 2 की संख्या निकालने के पीछे मत पड़िएगा, 2 की संख्या कब निकालना है ये हम आगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, प्राकृतिक संख्या में 5 कम बार आते हैं, वही भी अभी जो मैं आपको बताया, है ना। प्राकृतिक जो संख्या होती है उसमें 5 आपका कम होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है अभी आप मत पूछिएगा, है ना, इसके लिए आपको हमारा क्लास 1 देखना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, ये सब आप पीछे देखते रहिएगा, है ना, ऑड क्या है, सम क्या है, ये आप पीछे देखते रहिएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में 5 कम आता है, 5 कहाँ कहाँ आता है देख लीजिए, 5 यहाँ एक बार आया, ठीक है, उसके बाद ये 10 में आएगा 5 और 2 के साथ, तो वहाँ भी एक बार आया, और यहाँ 5 मिलेगा, तो यहाँ 5 और 3 आया, मतलब आपको 15 तक यदि गुना करना है तो 5 आपको मात्र 3 बार मिलेगा, लेकिन 2 यहाँ पे एक बार मिलेगा, इसमें 2 बार मिलेगा, है ना, 2 × 2 मिलेगा, इस 6 में भी आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, और इस 8 में आपको 3 बार 2 मिलेगा, 3 बार 2 मिलेगा, है ना, इस 10 में भी 2 मिल गया, 12 में भी 2 मिल गया, 14 में भी 2 मिल गया, मतलब 2 की संख्या तो अनलिमिटेड है, आपको 5 कम मिलेगा। तो प्राकृतिक संख्या का जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले गुना के रूप में, तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश क्या, हमेशा आपको 5 का ही निकालना है, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। 2 की संख्या निकालने बैठेंगे तो फिर आप क्वेश्चन पूरे सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आप फास्ट तरीके से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि फैक्टोरियल का मतलब भी वही होता है, है ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 को हमने 5 तक गुना किया है, या फिर 5 तक हमने प्राकृतिक संख्या गुना किया, 2, 3, 4 और ये 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब ही होता है। तो फैक्टोरियल में भी 5 निकालना रहता है, देखिए यहाँ भी एक 5 है, 4 ऐसा है, ठीक है। अब 6 में देखिए, 6 को कैसे गुना कर सकते हैं, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 × 2 × 3, मतलब जितना भी फैक्टोरियल दिया जाए उसको 1 से लेकर उस अंत तक गुना करना होता है, ठीक है। ये है हमारा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आ जाए या फिर प्राइम नंबर या फिर नेचुरल नंबर का सीरीज आ जाए गुना के रूप में, तो लास्ट में आपको 5 ज्ञात करने के लिए 5 का ही संख्या निकालना है, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे है अब देखिए विषम संख्या में, है ना। तो विषम संख्या का यदि कोई श्रृंखला आ गया, विषम मतलब समझते हैं ना, विषम संख्या का यदि कोई सीरीज दे दिया गया आपको उठा के, तो उसमें यदि आपको पूछेगा जीरो की संख्या है कि नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लास्ट से ज़ीरो? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ज़ीरो बनाने के लिए आपको पाँच और दो को गुणा के रूप में मिलाना पड़ता है, ठीक है, दुगुना के रूप में मिलाएंगे। तो आपको मैं उसके पहले ही बताया हूँ कि प्राइम फैक्टर करके कि किसी भी विषम संख्या में दो का सहभागिता नहीं रहता, है ना, किसी भी विषम संख्या में दो नहीं आता। इवन यदि मैंने आपको यूनिट डिजिट में भी बताया है, यदि पाँच का गुना यदि विषम संख्या के से होता है तो वहाँ आपको उत्तर पाँच मिलता है, है ना। यहाँ आपको गुना करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट जो लास्ट का अंक होगा वो पाँच होगा, जीरो तो किसी हाल में ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कोई संख्या है तो लास्ट में आपको कटमट निकाल के आगे बढ़ जाना है, और उसमें ज़ीरो की संख्या एक भी नहीं आएगा, ज़ीरो की संख्या शून्य रहेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि पाँच का टेबल है, हाँ देखिए मैंने अभी तक क्या बोला है आपको कि पाँच की संख्या निकालना है, लेकिन कुछ टेबल है जैसे पाँच का टेबल है, पाँच का टेबल मतलब पाँच की, ठीक है, पाँच के टेबल में श्रृंखला में कम से कम आप पाँच का जो टेबल रहेगा उसमें आपको पाँच की संख्या अधिक मिलेगा और दो का कम मिलेगा। इससे पहले क्या करते थे, फैक्टोरियल वाला हो गया या फिर नेचुरल नंबर हो गया, उसमें हम पाँच की संख्या निकालते थे क्योंकि उसमें पाँच कम होता था, लेकिन ये फैक्ट जिसमें पाँच का टेबल होगा उसमें पाँच की संख्या अधिक और दो का संख्या कम होगा, ठीक है, पाँच का संख्या अधिक और दो का संख्या कम होगा, इसमें आपको दो का संख्या निकालने की आवश्यकता पड़ेगा, और दो दो कम होगा तो दो का संख्या निकाल के आप इसमें इंटू कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पाँच कितना है और दो कितने बार है, ठीक है, इसमें एक बार पाँच मिलेगा, यहाँ पे दस में पाँच इंटू टू मिलेगा, पंद्रह की बात करें तो पाँच इंटू तीन होगा, ठीक है, बीस की बात करें तो यहाँ पाँच चौके बीस होता है मतलब टू इंटू टू होगा, ठीक है, पच्चीस की बात करें तो फाइव इंटू फाइव होगा, ठीक है, तीस की बात करेंगे तो क्या होगा, पाँच छः का तीस होता है तो तीन इंटू टू, ठीक है, ये हो गया। अब हम चालीस को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, चालीस में क्या होगा, तो इसमें होगा आठ, आठ पंचे चालीस होता है तो दो मिलेगा आपको तीन बार और एक बार पाँच मिल जाएगा, ठीक है। पैंतालीस में आपका नौ पंचे पैंतालीस होता है, इसमें तो दो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पचास में क्या मिलेगा ये देख लीजिएगा, पचास में आपको मिलेगा दस पंचे पचास होता है पाँच और पाँच और ये दो मिलेगा। अब पूरे में देखिए कि पाँच कितने बार मिला और दस कितने और दो कितने बार मिला, ठीक है, हम यहाँ पाँच गिनते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है, नौ दस ग्यारह, हमको पाँच के टेबल में पचास तक में हमको क्या मिला, पाँच ग्यारह बार मिला। अब दो गिनते हैं, दो कितने बार मिला हमको, तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच पाँच और ये पाँच मिला और ये पाँच तीन आठ, फिर से गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच तीन आठ, ये देखिए पाँच के टेबल में, ठीक है। तो आपने देखा इसे पाँच का कोई टेबल होता है इसमें पाँच अधिक बार आता है और दो कम बार आता है, तो केवल पाँच का ही टेबल अगर रहेगा तो आपको दो की संख्या कम निकालनी है, बाकी शेष में आपको पाँच की संख्या निकालनी होगी, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट है तो आज और देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।